शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में अब ठंड का असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दोपहर में धूप के निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। वहीं अब मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश और बादल छाए रहने के अनुमान जाहिर किए हैं। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं हिमाचल में एक बार फिर बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। राजधानी दिल्ली में लोग इन दिनों धूप का आनंद उठाते दिख रहे हैं। आज भी दिल्ली में अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। सुबह के वक्त थोड़ा कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन दिन होते होते मौसम साफ हो जाएगा। वहीं दिल्ली में अगले कुछ दिन इसी तरह का मौसम देखने को मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होते दिख रही है। आज उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वहीं अगले कुछ दिनों तक राज्य में मौसम इसी प्रकार बना रहेगा। बिहार के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। IMD के मुताबिक पटना समेत कई शहरों का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं 20 फरवरी को कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, इसके बाद बिहार का मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में तेज धूप खिलने और ठंड से राहत मिलने के बाद एक बार फिर मौसम बदल गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज राजस्थान के जयपुर और जोधपुर सहित कई जिलों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। राज्य के अधिकतर जिलों में आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री रह सकता है तो न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 21 फरवरी को राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं बात करें अगर पंजाब की, तो पंजाब में मौसम साफ रहने लगा है। दिन में धूप निकलने की वजह से सर्दी में भी कमी आई है। IMD के अनुसार अब अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से 19 फरवरी को प्रदेश में बादल छाए रहेंगे। आज अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। जम्मू संभाग में भी आज से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 11 और न्यूनतम तापमान -1 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिन में कई हिस्सों में बारिश होते दिख सकती है। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में बीते मंगलवार ऊंचाई वाले इलाकों पर हिमपात हुआ है, जिसके बाद कई हिस्सों में बारिश भी दर्ज की गई। वहीं अब मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। राज्य के कई जिलों में आज अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रह सकता है और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक रहने का अनुमान है। वहीं अगले 3 से 4 दिन में एक बार फिर बारिश भी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।